हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम आपके सामने करने वाले हैं KGF मूवी की एडिटिंग। तो गाइस, हमारी वीडियो पर एंड तक बने रहे और सीखे हमारी KGF फोटो एडिटिंग। तो सबसे पहले हम पिक्सार ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले गाइस आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको एडिट फोटो पर जाना है और यहाँ से जो है आपको जो है अपने रॉकी भाई का फोटो ले लेना है। जैसे मैं अपने रॉकी भाई का फोटो ले लेता हूँ, ये वाला। तो इसका PNG का लिंक गाइस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस हम लेंगे अपने मॉडल का फ़ोटो। तो सिंपल सा हम एड फोटो में चल जाते हैं और यहाँ से रिसेंट पे जाने के बाद गाइस आपको जो है अपने मॉडल का फ़ोटो ले लेना है, जहाँ पर भी अपने मॉडल का फ़ोटो रख रखा हो। तो गाइस सिंपल सा हम यहाँ पर अपने मॉडल का फ़ोटो ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना मॉडल का फ़ोटो ऐड कर लिया है और सिंपल सा हम इसे कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद गाइस आपको जो ऊपर यहाँ पर जो ऊपर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाना है और यहाँ से जो है आपको परिजन कर देना है कुछ इस तरीके से। इसमें गाइस आपका पूरा बैकग्राउंड जो है इरेज हो जाएगा। आपको अपने मॉडल का फोटो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है कुछ इस तरीके से ऐसे। और सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करके आपको एडजस्ट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ से जो है आपका ब्राइटनेस अपने हिसाब से चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से जो है सब अमाउंट को सेट कर रहा हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर सिचुएशन को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और जो है हाईलाइट को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे और जो है शेडोज को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कर देंगे। पर तो ये सब करने के बाद गाइस आपको जो है राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको फिर से राइट पे क्लिक कर देना है। एंड सिंपल सा गाइस आपको फिर से एडपोर्ट के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है और जो है अपने दूसरे PNG हैं इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस दूसरे PNG को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम इस PNG को ऐड करने के बाद गाइस जो है इसका नीचे से स्क्रॉल करके यहाँ से हम ब्लाइंड के ऑप्शन में जाएंगे। ब्लाइंड के उसमें जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर स्क्रीन कर देना है कुछ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन कर देने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपको इसे इस चैप्टर को सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं अपने इस PNG को यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एड करने के बाद गाइस आपको फिर से राइट पे क्लिक कर देना है और फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आपको जो तीसरा वाला PNG था उसे ले लेना है कुछ इस तरीके से। जो ये लिखा हुआ है इस PNG को भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको नीचे ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद गाइस आपको स्क्रीन कर देना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पैक कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड क्रिएटिव लग रहा है। तो गाइस ऐसे ही अमेजिंग फ़ोटो एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए फ़ोटो एडिटिंग वीडियो लाते हैं।